हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडिट जोन। मेरा नाम है लोकेश और ये अनूप सर। लास्ट सेशन में मैं देखा था बेसिक वीडियो एडिटिंग के बारे में, एडियूस के बेसिक टूल्स के बारे में, कि कैसे वीडियो के फॉर्मेट को जानना है, कैसे टाइमलाइन को इंपोर्ट करना है, कैसे वीडियो को इंपोर्ट करना है, कैसे उसको एडिट करना है या एक्सपोर्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वो वीडियो देखिए। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एडियूज में कैसे टाइटल को यूज़ कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जैसे एडियूज के अंदर टाइटल कैसे किए जाते हैं उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एडियूज के अंदर टाइटल कहाँ कहाँ से हम जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले देखिए आप ऊपर यहाँ से आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका टाइटल जो है वो टाइटल बार ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप टाइटल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में होता है ये यहाँ से, तो यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हम टाइटल ऐड कर सकते हैं। और एक होता है कि हम यहीं पे राइट क्लिक करें बिन के अंदर और यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे भी टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तीन तरीके से हम जो है टाइटल ऐड कर सकते हैं। और एक होता है बिल्कुल शॉर्टकट, टी भी प्रेस कर सकते हैं जो अपने कीबोर्ड में होता है। अब इसमें हम टाइटल जो है टाइप करते हैं, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर टाइटल तो टाइप कर दिया, लेकिन अभी आपको देख रहे होंगे कि ये ब्लर दिख रहा है आपको, ये क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ। तो ये देखने में आपको दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता कि इसमें क्या चीज़ है, कहाँ से ऑन है, कैसे ऑन है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू मोड होता है। इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके टाइटल के अंदर जो भी फिल्टर या कोई भी बॉर्डर अप्लाई है तो आपको शो कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही आप टाइटल पर डबल क्लिक करेंगे तो इधर साइड में आपका सारा पैनल जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपने टाइटल को चाहे जैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और जैसे अब मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो मेरे को अगर इस टाइटल का डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो मैं इससे यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लेफ़्ट राइट जो भी मेरे को लेना है, अप डाउन। तो आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने टाइटल की जो है हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी विड्थ चेंज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से आप इनसे अपने टाइटल को कोई भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के बीच में जो गैप है उसको अगर फिर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो देखिए इसके अंदर जो टेक्स्ट के अंदर वो गैप फील हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और अगर आप मान लो दो टेक्स्ट आपने टाइप किए हैं एडिट जोन, और अब इन दोनों के अंदर भी अगर आपको गैप करना है, एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फॉन्ट आपको चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आपका कीबोर्ड के अंदर एरो होता है उनसे आप चेंज करके देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपने टाइटल की साइज़ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको हॉरिजेंटल, वैसे अभी हॉरिजेंटल ही है, और अगर हम इसको वर्टिकल करना चाहें तो वर्टिकल भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपने टाइटल को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन देना है तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फिर जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर एक टाइटल और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें जैसे आप देख रहे होंगे कि एडिट जोन और स्टूडियो दोनों स्टार्ट से आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहेंगे, अब ये देखो अब यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये टैब स्टार्ट से है। अगर इसको सेंटर करना चाहें तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर राइट अगर करना चाहें तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका मूवमेंट चेंज करेगा, तो लगभग हमें सेंटर ही रखना होता है इसे। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने टाइटल के कलर पे, कि आप इसके अंदर जो कलर आपको दिख रहा है वाइट, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे चेंज करना होगा, कोई भी आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कलर रेंज अगर बढ़ानी है, जैसे आप कलर इसमें रेड ब्लू और भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो आपको 7 कलर्स दे रखे हैं इनमें आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जितने कलर टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 2 चेंज किया तो ये 2 कलर्स इसके अंदर फिल हो जाएंगे। यहाँ से आप इनका एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसको कितना फेड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने टाइटल में। ठीक है, फिर इसके बाद में जो ये यहाँ पे आपको दे रखा है टेक्सचर, तो यहाँ से हम अपने टाइटल के अंदर कोई कलर फील ना करके तो हम यहाँ पे टेक्सचर भी दे सकते हैं। कोई भी आपके सिस्टम के अंदर कोई भी टेक्सचर फाइल होगी तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है एज, तो एज के अंदर हम यहाँ पे वही जो हमने अभी आपके टेक्स्ट के अंदर जो कलर फील वगैरह मैंने बताया था वही सब चीज़ें आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आप जैसे इसके साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और वही जो आपने फेड मैंने बताया तो बॉर्डर को आप सॉफ्ट भी कर सकते हो, यहाँ से फेड कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम शेडो भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे शेडो पे क्लिक किया और यहाँ से मैं शेडो का जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ। तो ये शेडो की डायरेक्शन है यहाँ पे हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और ये ट्रांसपेरेंसी आपको कितना मिक्स करना है कितना नहीं करना है। और यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल जो भी आप चाहें। ठीक है, इसके बाद है एम्बोस, तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को एम्बोस कर सकते हैं। तो एम्बोस करने के लिए हमें इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर हम यहाँ से जो भी हमारा साइज़ है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो आप शायद देख रहे होंगे आपके टेक्स्ट में एम्बोस फिल हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ब्लर,
तो आप अपने जैसे टैक्स को या जो आपने बॉर्डर दिया है उसको या जो शेडो दिया है उसको अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब जैसे मैंने अभी यहाँ शेडो दे रखा है तो मैं इसको यहाँ से ब्लर कर दूँगा। तो ये इस टाइप से आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपको चेंज करना हो आप सारे टेक्स्ट में यहीं से चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप अपने जो रेडीमेड प्रीसेट हैं ये यूज़ कर सकते हैं। इन पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको टूल्स दिख रहे हैं ये सब भी आपके टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एक दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, इनमें से आप कोई भी एक शेप ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसको चाहूँ जिस एंगल में सेट कर सकता हूँ तो ये आपका इस टाइप से आपके ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आपके यूज़ आ जाएंगे। इसी टाइप से इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सभी यूज़ कर सकते हैं। और ये होता है टाइटल सेफ एरिया, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका टाइटल जो है वो किस एंगल में है और आप उसे कहाँ रखना चाहते हैं। इस टाइप से आप इसे चाहे जहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे आप डायरेक्शन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप ले जाना चाहें वहाँ पर आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए हमें इसे कंट्रोल एस करना है। अब जैसे हमने इसको कंट्रोल एस किया तो ये आपका बिन में यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइटल ट्रैक पे। जैसे हम इसे टाइटल ट्रैक पे लेकर आएंगे तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे दोनों तरफ इसमें डिजोल्व इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली फील हो गया है। अब हम इसको प्ले करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है अप्लाई हो गया है। और इसके अंदर हम फिल्टर और इफेक्ट कैसे यूज़ करेंगे वो हम अगले सेशन में आपको बताएंगे। तो देखा आपने कैसे हम एडिट्स में टाइटल को ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।